हेलो फ्रेंड, स्वागत है ड्रीम जॉब अड्डा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के 17 अगस्त के सेकंड शिफ्ट के जो क्वेश्चंस अभी तक हमें मिले उन सारे क्वेश्चंस को हम आपको बताएंगे, ताकि जो नेक्स्ट शिफ्ट में जिन बच्चों का एग्जाम है उन क्वेश्चन को देख के जाएँ और उससे संबंधित जो भी टॉपिक है उस टॉपिक को भी देख के जा सकते हैं। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपका देखो रिवर्स क्वेश्चन। आज भी 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो रिवर एक ऐसा टॉपिक है आपका, 3 से 4 क्वेश्चन अभी भी बन रहे हैं, तो उस टॉपिक को आप देख लीजिएगा। तो रिवर्स का जो पहला क्वेश्चन आपका आया था कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो आपकी हो जाएगी गंगा नदी। तो गंगा नदी जो होगी भारत की सबसे लंबी नदी है, इसकी जो टोटल लंबाई है 25-25 किलोमीटर है। गंगा नदी की जो टोटल लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है। अगर इसकी बात करेंगे भारत में इसकी लंबाई, तो भारत में इसकी लंबाई है आपकी 2510 किलोमीटर। तो इस पॉइंट को आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था पानीपत के युद्ध से आया, तो युद्ध से भी एक क्वेश्चन तो बन ही रहा है, मिनिमम कल भी युद्ध से एक क्वेश्चन बना था, तो आज का युद्ध आया तो पानीपत के युद्ध से संबंधित। तो ये पानीपत का जो पहला युद्ध था 1926 में हुआ था, और ये युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, और इसमें जीता कौन था, बाबर जीता था। देन अगला क्वेश्चन आया था अजमेर किस नदी के किनारे में, तो अजमेर जो है लूनी नदी के किनारे में है। पंडवानी नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो पंडवानी नृत्य जो है आपका छत्तीसगढ़ राज्य से है, ठीक है। पंडवानी नृत्य आपका छत्तीसगढ़ राज्य से है। और देखिए प्लांट से आपके क्वेश्चन मैक्सिमम बायो के जो क्वेश्चन बने हैं वो प्लांट से बने, 4 से 5 क्वेश्चन प्लांट के बने हैं। या तो वाले क्वेश्चन काफी ज्यादा आ रहे हैं, तो या तो वाला आप देख लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 मिनट की वीडियो में आप या तो वाले सारी चीजों को क्लियर कर लेंगे। तो मैथ में या तो के क्वेश्चन आपके 4 से 5 आ रहे हैं, तो इन टॉपिक्स को आप देख लीजिएगा, ठीक है। देन देखिए एलसीएम एससीएफ के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, एलसीएम एससीएफ के भी क्वेश्चन आपके 3 से 4 बनने लगे हैं, तो जिनका अगली शिफ्ट में तो इन टॉपिक को देख के जाइएगा। और शाम तक हम जैसे 8 बजे तक आपको सारे क्वेश्चन की डीपली एनालिसिस की वीडियो बना देंगे, या आपके लिए शॉर्ट वीडियो है, ताकि जिन बच्चों का एग्जाम है नेक्स्ट शिफ्ट में वो जल्दी से टॉपिक को देख के जा सके। चलिए, थैंक यू।